हस्बैंड हैं, इनका बैठ है जैसा आपने वीडियो में देखा, तो इनके लिए बहुत मुश्किल था मेरी टेक केयर करना। और इस बात इनको डॉक्टर ने भी मना किया था कि आप दूर रहें इनसे, जैसा आपको पता है कोविड में सबको बोला गया था कि आप डिस्टेंस मेंटेन करें, बट ही सपोर्टेड मी, ही स्टूड बाय मी। मैं जब बीमार हुई उन्होंने खाना बनाना सीखा, किस तरह से खाना बनाना है, किस तरह से मेरी टेक केयर करनी है। मैं इनको अपने आप से दूर करे जा रही थी, बट आई थिंक ये मैसेज यही कहता है कि आप अपने लव वंस की टेक केयर करिए, उन्हें प्यार करिए, उनका ध्यान दीजिए, चाहे फिर वो कोई भी हो, आपके स्पाउस हैं, आपके मदर फादर हैं या आपके बच्चे हैं। सो दैट इज द मैसेज वी वांट टू स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कितना मुश्किल था आपके लिए जॉर्जी? मुश्किल तो देखिए सब चीज़ मुश्किल होता है जिंदगी में, आप पढ़ाई भी करो तो मुश्किल होता है, यू नो। बट अगर आप वही बोला कि बिलीव करो अपने ऊपर तो आप कर सकते हो, तो मेरा मतलब क्या है कि हाँ तकलीफ होता था, लेकिन यू नो एक मौका मिलता है आदमी को, और वो मौका पे आपको चौका मारना पड़ता है, यू नो। कोई आपको एक वो बोलते हैं ना कि जैसे एज एन एक्टर आपको एक टेक मिलता है, अगर आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप नहीं कर सकते। तो वही एक मौका का तलाश है, तो कोई पेन दिखता नहीं था, कोई दर्द दिखता नहीं था, यू नो आई मीन, कि खाली था कि इसको एक सक्सेसफुल बनाना है जर्नी को, चाहे वो एक मैसेज वही है कि जैसे दुआ दे रहे हम लोग कि ऑल द टाइम यू नो लाइक इन डिफिकल्ट मोमेंट्स एवरीबॉडी शुड बी टुगेदर, यू नो कोविड में इतने जन हम लोग खो दिए, सो दैट्स द होल थिंग आई वांटेड टू से। कितना प्राउड फील करते हैं इस एल्बम का हिस्सा बने आप? आपने बताया काफी स्ट्रगल किया, लोग मना कर दे, ऑडिशन देने जाते थे आप, राइट? इट इज वेरी प्राउड बिकॉज यू नो लाइक द थिंग इज मैंने काम बहुत किया लेकिन लीड नहीं मिला, तो वो लीड के तलाश में मैंने बहुत मेहनत किया। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैंने मुश्किल तो सब वक्त आता है, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, जो मैंने आपको सेल्फ एक्सपीरियंस बता दिया था उसमें, और रिजेक्शन तो पार्ट है, क्योंकि आज रिजेक्ट नहीं होगी तो आपको पता ही चलेगा आपका क्लॉजेस क्या है, वीकनेस क्या है। सब जन रिजेक्ट होते हैं, यू नो लाइक टॉप अमेरिकन नेक्स्ट टॉप मॉडल लाइक टायरा बैंक्स आल्सो गॉट रिजेक्टेड, बी फ्रैंक विद यू, ओके। पर सबसे सीखने को मिलता है कि एक जिंदगी आसान नहीं है, यू नो यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ टू गेट व्हाट यू वांट। बॉलीवुड में एंट्री मार दी आपने? बॉलीवुड में एंट्री तो मार दी, लेकिन अभी और भी करना है, बस वही है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये शुरुआत है, और ये जर्नी की यू नो एक वो है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। उम्मीद पर ही दीवारें खड़ी होती हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि मैं बोलता हूं कि हर आदमी को प्रोत्साहित कीजिए, उत्साहित कीजिए, कम से कम वो जब उत्साह में आएगा तो दूसरे का उत्साह बढ़ाएगा, और जब वो काम करेगा तो नाम होगा, नाम होगा तो दुनिया के बीच में ही नाम होगा, इससे ज्यादा की जरूरत क्या है। मैं आप लोगों के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा, और वह इसलिए कहना चाहूंगा कि कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुहारी वतन बेच देंगे, सम्मान मानव का अगर गिर गया तो संसार से वो कफन बेच देंगे, मीडिया अगर जागती है तो देश की रक्षा होती है, इसलिए पत्रकार बंधु सजग होकर देश को के नौजवान को जगाइए, भारत को महान बनाइए, और इस तरह जो चल रहा है कि उनसे इस देश को बचाइए, नफरत की आग को बुझाइए, मोहब्बत के बेल को लगाइए, यही चीजें हम आपसे उम्मीद रखते हैं, आप हमसे जो उम्मीद रखते हैं हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद। फारूक भाई फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सच अ गुड इवेंट ऑन अ नोबल कॉज, क्योंकि कोविड 19 जो पैंडेमिक है जिससे कि सारे विश्व प्लस सारे देश प्लस सारे लोगों को मतलब इतनी मतलब डिफिकल्टी हुई है इस फेज में, और इस फेज में ऐसे नोबल काम करना, लोगों की सहायता करना, लोगों की मदद करना, हमने भी काफ़ी लोगों की सहायता की है, 18,000 लोगों को हमने यहाँ से यूपी भेजा किया, जिसमें कि प्रेगनेंट लेडीज और छोटे छोटे बच्चे, सीनियर सिटीजन सबको यहाँ से यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हावड़ा सब जगह हमने भेजा था हमारे एनजीओ की तरफ से। और मैं फारूक जी का जो अभी जो इनका जो मदर फाउंडेशन जो उन्होंने लॉन्च किया है उसमें भी मैंने उनको प्रॉमिस किया कि हम लोग भी हमारी तरफ से उनको सपोर्ट देंगे। आई थैंक एवरीबॉडी वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। हम कैंसर पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, ये है जो मेन मैनेजिंग ट्रस्टी मिस्टर सरीम मियां उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी, एंड वी स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल, एंड
साइलेंस। 45 कैंसर पेशेंट की आप हेल्प एंड वी रीच देम, और हमने अपनी तरफ से हेल्प किया है। वी आर नॉट गेटिंग फंड्स एज सच, तो वी हैव अदर पीपल आर गेटिंग, अदर एनजीओज आर गेटिंग। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लीगल हेल्प भी देते हैं। आई एम वन ऑफ द एडवोकेट इन अटैच्ड टू दिस एनजीओ। और भी एडवोकेट्स हैं जिनको, मतलब जो गरीब लोग होते हैं जिनको हेल्प लीगल हेल्प मिलती नहीं है, ऐसे लोगों को हम हेल्प करते हैं। और इस पेंडेमिक के टाइम पे हमने लोगों को 1200 लोगों को पर डे खाने के पैकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए। जैसे अभी जो ह्यूमैनिटी है, देयर शुड बी सम काइंडनेस इन द हार्ट टू डू दिस ह्यूमैनिटी। और हमने उस तरीके से जो भी है, हमारा पर्पज यही होता है कि किसी को गरीब हमारे तक आता है, हम उनको हेल्प करते हैं। आप बताएं सब आप किस तरह से जुड़े हुए हैं आज के प्रोग्राम के बारे में, और अवार्ड जो दिया है इसके बारे में क्या कहोगे? आज का जो प्रोग्राम हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, और हमको जो उन्होंने जो अवार्ड से नवाजा, हमको बड़ी खुशी हुई उसकी। हमको ऊपर वाले की तरफ से जो गिफ्ट मिला, हमने जो लोगों की हेल्प की उसकी तरफ से हमको ये आज गिफ्ट मिला, हमको बड़ी खुशी हुई। यह प्रोजेक्ट मदर बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्या कहना चाहिए आज के प्रोजेक्ट मदर? ये एक let me rephrase it. Project Mother, you have to say mother. Do not forget who brought us in this world. ये हमारा मोटिव है, और ये हमारा मोटिव है Project Mother का, कि जो अपने हिंदुस्तान के अंदर हमारी माँ जो रूरल एरियाज के अंदर मर रहे हैं, जो इतने अब तक उनको फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, उनके लिए मैंने 100 मैटरनिटी होम खोलने का इरादा किया है। और हमारा फर्स्ट पनवेल में हम लोग स्टार्ट करेंगे मनीष भाई, जैसा फर्स्ट प्रोजेक्ट मदर हमारा वहाँ से स्टार्ट होगा, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम उस जगह पर खोलेंगे जहाँ पर जो माओं को ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। और हम लोग एक माफ कार्ड MAF मुन्नी अयुब फाउंडेशन, जो मेरे माओ के नाम पर हम लोग बोल रहे हैं, जिसके जरिए हम लोग जितने हिंदुस्तान की माँ हैं जो दे विल कम इन टू द कॉन्टैक्ट, उसके लिए फ्री इलाज का हम लोग पूरा एक प्लान और एक सिस्टम बनाएंगे, जिससे उनका फ्री इलाज होगा, उनकी फ्री ट्रेनिंग होगी, उनके एजुकेशन हम वहाँ पे देंगे। और प्रोजेक्ट मदर के अंदर हम सिर्फ मैटरनिटी होम्स नहीं खोलना है, वहाँ पर इन माओं को जो अनएजुकेटेड हैं रूरल एरियाज में, वो वहाँ पर आके एजुकेटेड होंगे और उनको वहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर, मैं पूरे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमको फोकस करना है उन लोगों के ऊपर, क्योंकि आप देखते हैं कि हर गरीब के घर के अंदर ही अपाहिज क्यों है, अंबानी और उनके जैसे बड़े बड़े पैसे वालों के घरों में क्यों अपाहिज नहीं है? बिकॉज ऑफ दिस एग्जैक्ट प्रॉब्लम, कि उनके पास में जो गांवों में जो औरतें हैं उनको वो ट्रीटमेंट वो नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा फर्ज है कि हमको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई ये मेरा प्लान है, और ये मेरे खुद के घर के अंदर हुआ है। मेरे का बड़ा भाई जो था, जो दुनिया में नहीं आ सका, वो इसी वजह से ही कि हमारे घर में ट्रीटमेंट तक नहीं पहुंच पाए, कि हमारे पास पैसे नहीं थे, मेरी माँ के पास पैसे नहीं थे, हमारे फादर के पास पैसे नहीं थे। तो ये प्रोजेक्ट मदर बहुत बड़ा है, और इसमें पूरे हिंदुस्तान का मुझे सपोर्ट चाहिए। जैसे मनीष भाई यहाँ पर बॉम्बे में, और इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, इन्होंने फर्स्ट मेरे साथ कोलैबोरेशन करके ये जॉइंट हैंड है जेस्टिन एंड केयर फाउंडेशन, और हमारा पहला प्रोजेक्ट ब्रदर मदर खुलेगा पनवेल के अंदर। पनवेल में मैं भानु जी का मैटरनिटी होम खोलूँगा, मैं और मनीष एक ही हैं, हम साथ में काम करते हैं, बस ये इसका मैटरनिटी होम पनवेल में मैं खोलूँगा। मेरी ट्रस्ट है विस्तार चैरिटेबल ट्रस्ट, हम भी पूरे कोविड में खाना खिलाते रहे, इनका भी वही काम था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ मैं, और ये अपनी मदर की बड़ी सेवा करते हैं ये देखकर तो मेरा दिल भर आया। और ये जो एक्टर थे इनके एल्बम में, इनसे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, किसी मकसद के लिए आए, कोई ऐसे ही नहीं चले आए कि कोई इवेंट करते हैं आप, तो इनको देखकर मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। इसे हमें सीखना चाहिए, इन लोगों से सीखना चाहिए, इतने दूर दराज देशों में बैठ कर एक नेक मकसद लेकर ये हमारे मुल्क में आते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं कुछ करने के लिए। तो ये मेरा इनसे वादा है कि इनका जो पहला मैटरनिटी होम है वो हम पनवेल में मैं खोलूँगा, फारूक भाई को जरूर बुलाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोग से एक बात, आई थिंक ये शाहरुख खान का डायलॉग है या किसी ने उनके लिए लिखा होगा, कि अगर कोई दिल से कोई चीज़ आप चाहो तो कायनात लोग ये
शिद्दत से जुड़ जाती है। अगर मैंने 100 का मैंने इरादा किया तो सिर्फ इरादा होता है। आप लोग कोई भी इरादा कर लो, अगर आप घर से निकलने से पहले आप एक इरादा कर लो कि यार सारा में मुझे जाके इवेंट करना है, तो आप कैसे गाड़ी में बैठ जाते हो, किस तरह आप यहाँ तक पहुँच जाते हो, किस तरह राइट लेफ्ट लेते हो, सिर्फ इरादा होता है। तो आप लोग कोई भी छोटा इरादा किसी की मदद करने के लिए लेते हो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है। तो ये शुरू में एक हो गया है, ऐसे 10 बनेंगे, 20 बनेंगे और मेरे जाने के बाद 1000 बन जाएंगे। तो हमको हमारा अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई पर्पस नहीं है तो हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। तो प्लीज़ ये प्रोजेक्ट मदर के लिए आप बहुत बहुत मेरी मदद करें। और जो हम लोग ने वीडियो बनाया है उसको इतना आप लोग प्लीज़, ये वीडियो नहीं है, इसको कोई फेमस या कोई चीज़ का नहीं है, इट्स अ प्रोजेक्ट टू सेव लाइफ। प्लीज़ इस वीडियो को, 7 वीडियो को मोहम्मद खान जो सिंगर इनके और राशिद खान के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो प्लीज़ इसको इतना प्रमोट कीजिए ताकि हम लोग घर घर ये जाके पहुँचे और लोगों के लोगों की मेंटालिटी चेंज हो। हम म्यूज़िक के ज़रिए, लिरिक्स के ज़रिए और विजुअल के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। और रशिया के अंदर हमारी म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ होती है तो वो लोग रोते हैं, उनको लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती, तो कितना इम्पैक्ट है। तो इसीलिए मैंने म्यूज़िक वीडियो बनाया था। तो प्लीज़ पूरे मीडिया से आपका हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको मैं 6 लैंग्वेजेस में डबिंग कर रहा हूँ ताकि हर लैंग्वेज में इसका एक रिलेशनशिप बने। तो प्लीज़ आप लोग इस 7 म्यूज़िक वीडियो को इतना प्रमोट करें कि ताकि हर कोई इसे रिलेट है और लोग भी जान। मेरा मनीष जी से सवाल है कि मनीष जी आप कैसे जुड़े फारूक जी से, क्या फाउंडेशन से कैसे जुड़े, आपकी कंपनी कैसे आप लोग जुड़े? उसके लिए बताना चाहता हूँ कि अगर किसी का मकसद थोड़ा पॉजिटिव हो तो उसके लिए जैसे फारूक भाई ने बोला कि कायनात जुड़ जाती है, तो उनका जो पॉजिटिव वे देख के मैंने बोला कि फारूक भाई मैं इंडिया में आपके लिए 24 आवर्स कोई भी नोबल कॉज हो या पर्सनल प्रॉब्लम हो या कोई भी इनिशिएटिव लेना हमें एंड इनके जज्बे को थैंक यू करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो अमेरिका में इतना बड़ा काम किया है, म्यूजिक वीडियो लॉन्च किया है और इन्होंने जो बट आई टुडे पता चल गया मुझे कि आपके पास कितना मोटिवेशन है, आप कितने लोगों के लिए मोटिवेशन बनोगे यार। तो ऐसे लोग अगर जुड़ेंगे तो बहुत आगे लोग बढ़ते जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम अरेंज किया। थैंक यू सो मच। आगे की क्या तैयारी है? आगे की तैयारी है हमें कि हमने जो नोबल कॉज हमने जो अनाउंस किया है कि 100 होम्स हमें बनाना है उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे और आगे भी हम लोग ऐसे नोबल कॉजेस ऐसे हम लोग चमक करते रहेंगे। जुड़े हैं नवी मुंबई से, क्या क्या प्लानिंग है थोड़ा कुछ अगर आप बताएं जी। पहले तो इसके लिए हमें रूरल एरियाज में कितने लोग रहते हैं उसके बारे में रिसर्च किया, कितने लोग जो है पुअर फैमिलीज हैं जिनको जैसे अपोलो हॉस्पिटल से लाइफ बड़े बड़े हॉस्पिटल में उनको उतना फीस नहीं पे कर पाते, तो हमने एक रिसर्च करके सबका एक कार्ड बनाएंगे। उसके अलावा हमने 2000 स्क्वायर फीट की जगह हमें उसके लिए एक्वायर किया है, उसमें हम लोग अपना एक परफेक्ट तरीके से उसकी पूरी प्लानिंग है। क्या आप सरकार से मदद लेने के लिए कुछ अपील करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि लगातार सरकार की भी मुहिम है कि हेल्थ सर्विस में काम किया जाए? क्योंकि सरकार अगर हमें मदद करेगी तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो देखिए क्या होता, हम किसी के लिए रुकते नहीं, हमारे साथ जितने जुड़ते जाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे। सरकार करेगी तो हमें एक पंख लग जाएगी। फारूक भाई जिस तरीके से आपने बाहर देशों में भी काफ़ी मदद की है लोगों की, इंडिया में आने के बाद किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, किसी तरीके की हेल्प या कोई साथ दे रहा है साथ में? आई थिंक आप यहाँ ही देख सकते हैं यहाँ पर इस इवेंट में कि मेरा तो एक विशाल लेकर आया था और आई थिंक मुझे ऑनर कर रहे थे यहाँ पर, जो मैंने इंडिया का नाम वहाँ पर US में किया, तो वो एक बिगिनिंग थी और अब सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैंने 100 का एक मेरी माँ को लेके आना इसका एक रीज़न ही था कि प्रोजेक्ट मदर मुझे अनाउंस करना, क्योंकि मेरे 4 साल से इसकी प्लानिंग थी जब मैं शूटिंग के लिए देखा था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह मनीष भाई और सर जुड़ गए यहाँ पर कि एक खुल गया। तो इसी तरह आई थिंक बहुत लोग हैं जो जुड़ेंगे इसके ऊपर और इट्स जस्ट अ थॉट। तो मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इसके लिए और आई थिंक जिसका दिल साफ है और जिसकी नीयत साफ है तो खुदा और मालिक ऊपर वाला रैम पे इतना बरसाएगा कि आप जब सुबह उठोगे दिखेगा कि आपको 100 बन गए। सो इट्स अ वेरी गुड रिस्पांस। सर कोई ब्रांड एम्बेसडर होगा आपके जो प्रोजेक्ट का, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी ज्वाइन? इसका ब्रांड एम्बेसडर तो अभी मालिक ही है और कोई नहीं है एंड आई डोंट थिंक सो आई वांट टू मेक एनीबॉडी एज़ अ ब्रांड एम्बेसडर। और जब होगा जब देखेंगे सर। करके एक गरीब व्यक्ति था, वो रहता था उड़ीसा में, उसकी पत्नी का ट्रीटमेंट इसलिए नहीं हो पाया, उसके गांव से शहर के बीच में एक 22 किलोमीटर का एक वो था पहाड़ था, रास्ता नहीं था, वो अपनी वाइफ को
रास्ता ना होने के कारण ट्रीटमेंट नहीं करा पाया, तो उसने एक संकल्प लिया। संकल्प क्या लिया, उसने अकेले दम पर एक छेनी और हथौड़ी लेकर के 22 साल में 22 किलोमीटर रोड अकेले बना डाला। और जब वो बना रहा था तो उस गांव के लोग और बहुत सारे पत्रकार लोग आपके जैसे पूछने के और उसके ऊपर हंसते थे, तो उसने बोला आज आप हंस रहे हो लेकिन ये मैं नहीं चाहता कि दूसरा दशरथ मांझी की वाइफ का इलाज या गांव के किसी व्यक्ति का इलाज रास्ते के लिए नहीं हो पाया। और उसने वो कारनामा करके दिखाया, तो वो इंसिडेंट बिल्कुल इनके ऊपर लागू होता है। और मुझे विश्वास है कि इन्होंने जो 100 ये मदर हॉस्पिटल का एक संकल्प लिया है, ये उन्हीं दशरथ मांझी की तरह इनका एक न एक दिन जरूर पूरा होगा। और मुझे विश्वास है कि ये उस अपने संकल्प पे कामयाब होंगे। खाली इनके बारे में एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, जो केयर फाउंडेशन है, इट्स रियली केयरिंग टू द नीडी पीपल एंड इट शुड गो ऑन। Not only in professionalism as a leader, but also in the personal aspects. Because the very first thing that I really admire about him is that he's making his mom and dad responsible for whatever he does. And that's one of the best things which I have ever seen in a guy, as a professional aspect, as well as in the personal camaraderie. Now, talking about this Care Foundation program,